अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुक विद रूमा खान। आज मैं आप लोगों के लिए चिली गार्लिक पराठा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। लेयरदार हम इसे बनाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी उसकी परत है निकली हुई है और कितना क्रिस्पी बना हुआ है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम मैदा लिया है। आप मैदा और आटा मिक्स कर सकते हैं या खाली आटे का भी बना सकते हैं, गेहूँ के आटे का। मैंने इसे मैदे से बनाया है और उसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो बना लूँगी। पानी हमें नॉर्मल लेना है, ना ठंडा ना बहुत गर्म, जो नॉर्मल पानी यूज़ करते हैं उसी से हमें इसका डो तैयार करना है। हमें इसका डो ज़्यादा नरम नहीं बनाना है, जिस तरह हम रोटी और आटे के लिए रोटी के लिए आटा गूंथते हैं उसी तरह हमें इसका भी डो बनाना है। इसको अच्छे से गूंदने के बाद फिर मैं इसमें एक गीला कपड़ा डाल के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। इसे 15 से 20 मिनट के लिए हम रेस्ट करने रख देंगे। मैंने 15 मिनट में चेक किया। अब उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और फिर से इसकी थोड़ी अच्छी सी गुंदाई कर लेंगे हम, ताकि हमारा आटा जो है ना एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हो। आटा मैंने अच्छे से गूंद लिया है। अब मैं इसके पेड़े बना के रख लूँगी। इतने आटे में मैं 4 पराठे बनाऊँगी। आपको छोटे बड़े जैसे बना रहे हो वो हिसाब से आप उसे डिवाइड करें। मैं मीडियम साइज़ के पराठे बनाऊंगी, इसलिए मेरे 4 पेड़े इतने आटे में 4 पेड़े बना के रेडी करूंगी और मैं इसे भी थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूंगी। 5 मिनट के लिए इसी तरह मैं इसे छोड़ देंगे टेबल पे। हर स्टेप पे हमें रेस्ट देना है। अब इसे भी थोड़ी देर हम ढक कर छोड़ देंगे। अब बाकी के पेड़ मैं साइड में रख दूंगी और इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और उसको बेल लेंगे। जितना पतला हो सके उतना पतला हमें इसे बेल लेना है। एक पतली सी रोटी बना के तैयार कर लेना है, एकदम पतली सी। शेप कैसा भी हो उसकी फिक्र ना करें आप। अब इसके ऊपर मैं घी लगाऊंगी। आप यहाँ पे देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप देसी घी में भी बना सकते हैं पराठे को। फिर उसके ऊपर मैं चॉप किया हुआ बारीक लहसुन ऐड करूंगी, गार्लिक, थोड़ी सी हरी मिर्ची है बारीक चॉप करी हुई। आप हरी मिर्ची स्किप भी कर सकते हैं अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे ऊपर से, चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे थोड़ी सी, ऊपर से सूखा आटा थोड़ा सा डाल देंगे। अब इसे बेलन की मदद से मैं थोड़ा सा इसे प्रेस कर दूंगी। फिर से थोड़ा सा सूखा आटा ऐड किया मैंने। अब इसे हम जिस तरह कागज़ का पंखा फोल्ड करके बनाते हैं उस तरह हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। बहुत अच्छी लेयर बन के तैयार होती है इसकी। इसी तरह इसके से मैं पूरा फोल्ड कर लूँगी। जितना बड़ा और जितना पतला आप इसको बना के बेलेंगे उतनी ज़्यादा इसमें लेयर बनती है।
अब इसे फोल्ड कर देंगे और उसका जो किनारा है वो नीचे उसके लाके प्रेस कर देंगे, दबा देंगे। ये हमारा एक लोई बन के रेडी हो गई। अब मैं दूसरी तरीके से आपको बता रही हूँ, मैंने दूसरा भी बेला, उसके ऊपर घी सेम प्रोसेस किया है। उसके बाद मैं इसे एक कोना उसका पकड़ूंगी और उसको थोड़ा थोड़ा सा उठाते जाएंगे तो उसकी लेयर देखिए आप खुद बखुद बनते जाती है। ये देखिए जो भी उसकी लेयर बनते जाएगी उसको पकड़ेंगे बीच से, प्रेस करते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे। ये हमारा दूसरी तरीके से मैंने आपको बताया है लेयरदार पराठा बनाने का, ये दूसरा तरीका है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ढककर। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे बेल लेंगे। हाथों से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और हल्का सा बेलन मारेंगे, ज़्यादा बेलन से हम बेलेंगे नहीं इसको। बस हमें बहुत ज़्यादा पतली रोटी नहीं बनानी है और बहुत ज़्यादा मोटा मीडियम साइज़ का ही बेलना है। अब मैंने यहाँ पे तवा गरम करने के लिए रखा है, तवा हल्का गरम हो गया है, उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे। फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे, मीडियम टू हाई पे रखेंगे और इसे एक साइड से थोड़ा हल्का सा सिकने देंगे। फिर हम इसका साइड चेंज करेंगे। फ्लेम मीडियम टू हाई है, अब मैं इसे थोड़ा सा प्रेस करते जाऊंगी और सेकते जाऊंगी। जब हल्का हल्का से डॉट्स से आ जाएंगे इसमें, अब इसके ऊपर आप घी लगा सकते हैं या ऑयल लगा सकते हैं या बटर लगा सकते हैं, आपको जैसा पसंद है आप उसके ऊपर ऑयल या घी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे घी का यूज़ कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से प्रेस करके सेक लेंगे। हाई फ्लेम पे हमें इसे नहीं बनाना है, मीडियम फ्लेम पे ही रखना है ताकि ये अच्छा सा क्रिस्पी हो जाए। बहुत अच्छा क्रिस्पी बन के तैयार होगा। दोनों तरफ से मैंने अच्छे से सेक लिया, आप देख सकते हैं अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसी तरीके से मैं बाकी के पराठे भी सब सेक लूँगी। आप देख सकते हैं उसकी लेयर खुलने लगती है अगर आप अच्छे से सेकेंगे। ये हमारा चिल्ली गार्लिक पराठा बनके रेडी हो गया है। मैं इसी तरह से के सारे पराठे सेक कर रेडी कर लूँगी, आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाइए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक दूसरी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।